गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में आज हम स्वर का पठन करेंगे और उसे लिखना सीखेंगे और समान अक्षर को जोड़ना सीखेंगे। पहले हम स्वर का पठन करेंगे। स्वर अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊं, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। अ आ, इ ई, उ ऊ, रि, ए ऐ, ओ औ, अम, अह। अब हम स्वर को लिखेंगे। स्वर अ से ई, एक लाइन छोड़कर बड़ी लाइन में लिखना है। ये है अ, अशि अना, अ के बाद आएगा आ, आशि आम, आ के बाद ई, ई से इमली, ई के बाद दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई, बड़ी ई से ईक। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईक। अ आ, ई, ई, इस तरह आपको पूरे पेज में लिखना है। अ से ई, समान अक्षर जोड़ो। यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, यहाँ सामने वैसे ही समान अक्षर है। यहाँ पर अक्षर की पहचान कर समान अक्षर को जोड़ना है। तो पहले है अ, अ से अना, तो यहाँ पर ये है अ, तो हमें अ को अ के साथ ऐसे जोड़ना है। फिर है आ, आ से आम, तो यहाँ पर ये है आ, तो आ को आ के साथ ऐसे जोड़ना है। फिर है ई, तो यहाँ पर ये रहा ई, तो ई को ई के साथ ऐसे जोड़ना है, बड़ी ई, तो यहाँ पर ये है, बड़ी ई को इस तरह ऐसे ई के साथ जोड़ना है। इस तरह आपको समान अक्षर को जोड़ना है। अब हम कविता सुनेंगे। मेरी नानी, मेरी नानी कितनी बोली, हसमुख चेहरा मीठी बोली, हरदम पूछे सबका हाल, नानी जियो हजारों साल। फिर से, मेरी नानी कितनी बोली, हसमुख चेहरा मीठी बोली, हरदम पूछे सबका हाल, नानी जियो हजारों साल। ये कविता आपको सुनकर याद करनी है। थैंक यू।